नमस्कार, स्वागत है आप सभी दर्शकों का जनजागृत न्यूज चैनल पर, आपका अपना न्यूज चैनल सच के साथ। परिजनों ने नाबालिग पर हुए दुष्कर्म पर दिया प्रार्थना पत्र, नहीं हुई कोई कार्यवाही। हाटा मांडा प्रयागराज थाना मांडा क्षेत्र के बोधीपुर गांव निवासी अशोक कुमार ने थाना मांडा में तहरीर दिया है कि उनकी 12 वर्षीय लड़की के साथ गांव के ही युवक द्वारा दुष्कर्म किया गया, लेकिन परिजनों का आरोप है कि 5 दिनों से तहरीर देने के बाद भी मांडा पुलिस द्वारा कोई कार्यवाही नहीं किया गया, जिससे परिजन बहुत परेशान है। परिजन 5 दिनों से रोज थाना मांडा का चक्कर लगा रहे हैं। लड़की के परिजनों द्वारा बताया गया कि गांव के ही एक 32 वर्षीय युवक ने लड़की को बुलाकर झांसा देकर कमरे में बंद कर लिया। दरवाजा पीटने पर खुला नहीं गया, दरवाजे को धक्का दिया गया फिर भी नहीं खुला। किसी तरीके कई लोग मिलकर दरवाजा को धक्का दिए तो खुला। पीड़ित ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा है कि तहरीर पर थाना मांडा पुलिस 5 दिनों से जांच करने का बहाना बना रही है। पीड़ित ने उच्च अधिकारियों से गुहार लगाने के बाद कही नाम है। क्या है? महेश। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हाटा है, घर बोधीपुर। अच्छा, तो क्या वारदात हुई है जो आप लोग थाने में इतनी भीड़ लेकर आए? ये केस हुआ था 15 तारीख को। जी, बलात्कार किया। हम लोग यहाँ पे आए थे सब, लेकिन यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुआ। कोई सुनवाई नहीं। कितने दिन से प्रार्थना पत्र पड़ा है? ये 15 तारीख को हुआ था। कब? दिन को मालूम नहीं है कौन दिन था, लेकिन 15 तारीख को कांड हुआ था। कब की वारदात है? 15 तारीख को था ना। ठीक। और ये मतलब क्या आश्वासन दिया यहाँ के इंस्पेक्टर साहब? यहाँ कुछ नहीं सुन रहे। मतलब कुछ तो बोले होंगे, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे? यहाँ बोलते हैं बैठे रहो, काम हो जाएगा। उसके बाद जहाँ 8 बजता है 9 बजता है कहते हैं कि जाओ घर। अच्छा, लड़की का नाम क्या है? लड़की का नाम लक्ष्मी। अच्छा, लक्ष्मी है। और जिसने वारदात किया उसका नाम? अनिल। पूरा नाम क्या है? अनिल। गाँव के ही? गाँव। क्या मामला था कि उनके पास गई थी या बुलाया गया था? वो मामला क्या है कि 8 बजे की बात है जी। सब उसके माँ पिता सब चले गए खेत में अपने काम करने के लिए, निराने गोड़े के लिए जी। उसके बाद वो खाना बना रही थी। हाँ। वो आया दूसरे घर में, वो खाना बना रही थी, उसको हाथ पकड़ के लेके गया दूसरे घर में और अंदर से दरवाजा बंद करके अंदर वो क्या किया क्या नहीं किया उसमें कोई देख नहीं रहा है। हाँ, उसका भाई बाद में आया। उसका बाद में भाई आया तो देखा तो खाना बना रहे थे, तो वहाँ केवाड़ी पूरा खुला था, तो उसको बिगड़ गया कि तू कहाँ गई थी, यहाँ कुत्ता घुस जाता खाना खा लेता। उसके बाद जब अंदर गया तो दरवाज़ा बंद था, वो दरवाज़ा जब बंद था तो उसके बाद दरवाज़ा पे वो लात मारा तो अंदर से दरवाज़ा जब बंद है तो खुला नहीं, तो गाँव में हल्ला करने जब गया तो वहाँ कोई नहीं मिला था। उसके बाद जब वो वापस आया तो दरवाज़ा खुला था, वो लड़का भाग गया था। एक लड़का है, वो देखा था कि एक गली से रास्ते से वो जो रास्ता उसके घर जाता है वो रास्ते से वो लड़का आया था। अच्छा, ठीक जी। जो घटना हुई उसके बारे में आप बताइए कि आपने क्या देखा, किस तरीके का मामला था? भाई, सुबह मंदिर में पूजा करता हूँ प्रतिदिन जी। 8 बजे माँ काली की आरती हो जाती है, मैं आरती करता हूँ। आरती करने के बाद शीतला माँ की चौरा है, चौरा पर मैंने अगरबत्ती लेसने जब गया तो उसी रास्ते से वो अनिल कुमार जो बलात्कार किया है लड़की के साथ, वो 8:00 हो रहा था, मैं घड़ी तो नहीं देखा, लेकिन 8 बजे मेरा आरती हो जाता है और उसी रास्ते से गुजरा जो रास्ता अशोक के घर जाता है, मैंने इतना देखा। इसके बाद मैंने पूजा करके फिर अपने काम में चला गया, गाड़ी लिया हूँ, गाड़ी चलाने चला गया। आप लड़की के क्या लगते हैं? मैं उसका चाचा लगता हूँ। चाचा, तो मतलब आप लोग क्या चाहते हैं, मतलब कि यहाँ पर सुनवाई नहीं हो रही है? सुनवाई मैं हम लोग आप लोगों का कहना है। हाँ, मैं लोग 5 दिन से यहाँ दौड़ आ रहा हूँ। अच्छा, और थाने में हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है जी। वो लोग कह रहे हैं कि अभी लिख जाएगा, या इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, अभी नहीं आ रहे हैं, अभी नहीं है, ये वो करते हैं, 11 बजे रात छोड़ते हैं हम लोगों को। अच्छा, इसके बाद अभी मैं देख रहा हूँ कि यहाँ से हो जाएगा, नहीं तो हम लोग और कहीं जाएंगे। ठीक, पानी का नहीं लिखवाना है, जो मेरा रिपोर्ट दर्ज हो गया है, जो लड़की बयान किया है वही मेरा रिपोर्ट चलेगा। हाँ, तो फिर इसके बाद तो किसका दबाव है ये बताइए आप लोगों के ऊपर, कि समझौता कर लीजिए? समझौता करने के लिए हम खुल करके कोई नहीं आ रहा है, बस लम्बा नियर बोल रहे हैं कि यार तुम लोग आपस में समझ जाओ। हमारे ग्राम के प्रधान भी कह रहे हैं कि आप बात मान जाओ यार, आपस की समझौता। गाँव के प्रधान? ग्राम प्रधान का नाम विजय लाल। विजय शंकर पटेल। क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि भाई समझौता कर लो आपस में, घर गांव की बात है। अच्छा, और हमारी
अब वो कह रहा है समझौता कर लो शादी ब्याह के लिए। और कोई और किसी का दबाव तो नहीं है? और तो हमारे पास सामने कोई नहीं आया, जिन्होंने वारदात किया आप ही की बिरादरी के हैं, कन्ने बिरादरी है, जो बलात्कार किया है आदिवासी है। अच्छा, हाँ, ये लड़की जो बच्ची है इसका बलात्कार हुआ है, 12 वर्ष का है और वो 32 वर्ष का है, बलात्कार करने वाला 32 वर्ष का है। उनकी उम्र 32 है, इनकी उम्र 12 साल है।